दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल पे नॉइज पे। अभी देखिए एनएचपीसी जो है इसको लेके बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रहा है मार्केट में। किसी लोगों का मानना है कि एनएचपीसी का शेयर 100-150 तक पहुंच सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि ये जो शेयर्स हैं नीचे पहुँच सकते हैं। जब आप रिसर्च करेंगे इसको लेकर डिटेल्स में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एनएचपीसी के जो है अभी ESG स्कोर मिला है, वो हम लोग आगे इस वीडियो में आपके साथ दिखाएंगे या फिर प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन। एनएचपीसी जो है अभी जापान में भी एक डील हुआ है, वो भी आगे शेयर करेंगे। एनएचपीसी का जो अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी एनएचपीसी का डिटेल में समझते हैं। एनएचपीसी जो ये शेयर है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। Q3 24 का रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं आया था। एनएचपीसी जो अभी लगभग 6,100 करोड़ के आसपास फंड रेज का भी बात चल रहा था, जिसको शायद से अप्रूवल भी मिल चुका है। तो इतने सारे अपडेट्स चल रहे हैं इस कंपनी में, शेयर का प्राइस उतना कुछ खास तेज़ी नहीं बना रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने इसको लेकर वीडियो बनाया था, शेयर का प्राइस लगभग 93 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, 93-94। तो ये भी बताया था कि शेयर में फिलहाल अभी खरीदारी नहीं करना चाहिए, शेयर थोड़ा डाउन होगा तभी जाके सोच सकते एक बार। अभी एनएचपीसी का शेयर ऐसा नहीं है कि आप अभी खरीदेंगे तो आपको इसमें एक बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस मिल जाएगा। बहुत सारे डील्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है एनएचपीसी में चल रहा है, जिसके चलते आगे चल के ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत हो सकता है और इन्वेस्टर्स को भी एक फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे एनएचपीसी को लेके। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। एनएचपीसी का एक दिन में 2.4% जो है ये शेयर डाउन हुआ है। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में 4.2% ये शेयर डाउन हुआ है, और वन मंथ का डिटेल्स देखते हैं तो 3.9% इसने रिटर्न दिया है एनएचपीसी के शेयर में। अभी यहाँ पे एनएचपीसी का जो शेयर है इसका, या फिर एनएचपीसी का जो ड्यूरेबिलिटी है वो यहाँ पे देखते हैं, जो कि 65 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन 41.30 है आउट ऑफ 100, और मोमेंटियम देखिए 70.70 है आउट ऑफ 100। वन मंथ में एनएचपीसी का जो बोल सकते कि शेयर का जो प्राइस है, हाई प्राइस जो इसने दिया है एनएचपीसी ने वन मंथ में, जो कि 95.50 पैसे का है, और वन मंथ का जो लो प्राइस है 80.70 पैसे का। एक हफ्ते का हाई प्राइस दोस्तों देख सकते हैं 94.70 पैसे का है, और जो लो प्राइस है 86.85 पैसे का। तो अगर आप शेयर खरीदते हैं एनएचपीसी का तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है एनएचपीसी के शेयर को लेके। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एनएचपीसी का, जो कि 90,405.3 करोड़ का है। अभी कंपनी का एनएचपीसी का जो Q3 का रिजल्ट आया था उतना कुछ खास नहीं आया था। हो सकता है कि Q4 रिजल्ट में ये कुछ रिजल्ट अच्छा खासा पोस्ट करे। टेक्निकली शेयर कैसा है वो थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में समझेंगे कि एनएचपीसी में क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए शेयर में। यहाँ पे देखिए एनएचपीसी का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, टेक्निकली शेयर जो है एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है, एक न्यूट्रल लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, और RSI इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है एक बुलिश लेवल बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए शेयर अभी यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि एक मतलब टेक्निकली जो है स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस एनएचपीसी के शेयर में अभी रखना चाहिए। BSE और NSE मिला के एक दिन का एवरेज देखिए शेयर का, एनएचपीसी के शेयर का, जो कि 53.9 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज एनएचपीसी के शेयर का एक दिन का 34.3% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम 18.5 मिलियन का है एनएचपीसी के शेयर का। एक हफ्ते का BSE NSE मिला के जो एवरेज है 51.1 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 33.4% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम 17.1 मिलियन का है इस शेयर का, एंड मतलब एनएचपीसी के शेयर का। और जो यहाँ पे BSE NSE मिला के वन मंथ का एवरेज देखिए 93 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज देखिए दोस्तों 24.8% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम 23 मिलियन का है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लगभग ये शेयर का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है एनएचपीसी के शेयर का डिलीवरी परसेंटेज। इसके शेयर का डिलीवरी वॉल्यूम है यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, वही इसका वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब लगभग बोल सकते हैं कि अभी इन्वेस्टर्स के ओर से यहाँ पे थोड़ा डिमांड क्रेज देखने को मिल रहा है एनएचपीसी के शेयर को लेके।
जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स के पास 70.95% का स्टेक है, FIIs के पास 7.38% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 8.17% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.78% का स्टेक है और पब्लिक के पास 6.73% का स्टेक है। ESG रेटिंग को लेकर बताया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है NHPC जो है पार्टिसिपेट किया था जो S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी है उसमें पार्टिसिपेट किया था NHPC ने। एंड यहाँ पे थोड़ा देखते हैं तो S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट जो CSA है उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, उसमें ESG स्कोर जो है NHPC को मिला है 48। ESG स्कोर जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है डिटेल्स में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और अभी यहाँ पे देखते हैं तो NHPC फंडामेंटली भी दोस्तों आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। अभी समझते हैं कि NHPC का जापान में क्या ऐसा डील हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है NHPC ये इन्फॉर्मेशन दिया है कुछ दिन पहले, जहाँ पे एक लोन एग्रीमेंट को लेके जापान के साथ ये डील हुआ है। और ये जो लोन एग्रीमेंट है जो कि 1001 करोड़ का है विथ जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो कि JBIC के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर राजस्थान ये लोग बनाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, जहाँ पे 1001 करोड़ का लोन एग्रीमेंट हुआ है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से, और कंपनी जो है NHPC जो है बीकानेर में 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बनाएगा, ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी का देख सकते हैं NHPC का ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऐसे बहुत सारे डील्स है। अभी ये जो है ये एक बोल सकते हैं कि फर्स्ट काइंड ऑफ लोन सिंडिकेशन बाई NHPC विथ JBIC फॉर फाइनेंसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है NHPC ने कि ये पहला इन लोगों ने जो JBIC के साथ टाई अप करके ये लोन ले रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं NHPC का जो बताया जा रहा है कि ये जो लोन है विद MUFG बैंक लिमिटेड जापान एंड बैंक ऑफ जो योकोमा लिमिटेड है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अभी यहाँ पे NHPC जो है देख सकते हैं कि सिक्योर्ड फॉरेन करेंसी लोन ऑफ JPY 20 बिलियन फ्रॉम JBIC फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ए 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बीकानेर से। तो इसका जो NHPC का जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, देखिए NHPC के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी, तो NHPC को इतने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो लोन लेके जो ये सब कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा भी देखेंगे तो इसका बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से ये इन्वेस्ट करके ये सब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है। तो आगे चल के अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जो समझ में यहाँ पे समझते हैं, तो आगे चल के इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों NHPC का और ज़्यादा बढ़ सकता है। लोन एग्रीमेंट जो है आप देख सकते हैं जो साइन हुआ था NHPC और JBIC के बीच में, एंड ये बताया जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी है द फैसिलिटी एक्सटेंडेड अंडर JBIC ग्रीन ऑपरेशंस ग्लोबल एक्शन ऑफ रिकंसलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन व्हिच एंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट। तो ये जो बोल सकते हैं कि ये जो लोन ले रहा है NHPC JBIC से, ये एक्सटेंड कर रहा है ग्रीन ऑपरेशन जो कि ग्लोबल एक्शन है फॉर रिकंसलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट जो कि प्रिजर्वेशन करेगा जो ग्लोबल एनवायरमेंट है उसको। ओवरऑल अगर देखेंगे NHPC का जो शेयर है अभी टेक्निकली फिलहाल थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस अभी इस शेयर में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई शेयर खरीदता है थोड़ा समय होल्ड करता है तो हो सकता है कि यहाँ पे आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले NHPC के शेयर में। आपको कैसा लगता है दोस्तों NHPC का शेयर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।